56,000 जो है पेशेंट हो चुके हैं, और 56,000 का 1 लाख बनने में देर नहीं लगता, 1 लाख का 2 लाख बनने में देर नहीं लगता है, मल्टीप्लेयर होता रहता है। तो सभी से आत्मीय निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा करुणा से जो है सावधान रहें, और करुणा संबंधित जैसे ही आपको सिम्टेंस पता पड़ जाए और पता लगने लग जाए कि कोरोना के रोगों का आक्रमण आपके देह पर हो रहा है, और तुरंत जो है आप ये करें उसका सेंटेंस जो है, सबसे पहला पेट की गड़बड़ी, पेट के अंदर अपचन क्रिया होने लग जाए, पेट की अन्न क्रियाएं न होने, अगर पचन न होने लग जाए, श्वासोश्वास में तकलीफ होने लग जाए, और सिर में दर्द होने लग जाए, गले में खारिश शुरू होने जाए और खांसी शुरू हो जाए, और इसी प्रकार हल्की सा बुखार अगर आपके ये रहता है, और थोड़ा सा जो है कंटिन्यू सर्दी अगर होने लग जाए, तो निश्चित रूप से समझिए आपको कोरोना का चपेट में आ चुके हैं आप। और तुरंत जो है वहां तक संबंधित जितने भी ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल है, वहां से टच में रहें, और अपने जहां भी जो लोग अभी कुछ भी नहीं है वे लोग मास्क धर के जाए, भीड़ भड़ाका से बचे, और थोड़ा सा ये 2 महीना आप सभी के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी से विशेष आत्मीय निवेदन है, और सायंकाल और सुबह जो है नित्य प्रति यहाँ आप सबके नाम पर निःशुल्क शांति धारा होता है, मृत्युंजय की शांति धारा होती है, और आप लोग अपने हिसाब से यहाँ झूम पर उपस्थित जो भी होते हैं उनके नाम पर निःशुल्क परिवार का शांति अर्थ रोग निवारणार्थ जो है शांति धारा में झूम पर उपस्थित रहे। सायंकालीन सत्र के अंदर, सायंकाल झूम के अंदर महामृत्युंजय का जाप्य पानी अभिमंत्रित किया जाता है। आप निश्चित रूपे ना आप सायंकाल में जो है आप अपनी विशेष महामृत्युंजय जाप के लिए नित्य प्रत्येक आधा घंटा टाइम निकालिए। 7:30 से 8 तक मैं आप सबके साथ रहता हूँ, जाप करवाता हूँ, और आपकी स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए कामना करता हूँ। आप अपने सभी लोग जो है सायंकालीन सत्र में जरूर उपस्थित रहे। और दूसरी सूचना ये है कि संडे दिन, कल नहीं तो परसों, बच्चों के स्पेशल जो है एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाई के लिए विशेष जो है धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक संस्कार, धार्मिक नॉलेज, धार्मिक आचरण आदि जो है करने के लिए विशेष जो है पाठशाला, बच्चों का पाठशाला रहता है 1 घंटे। अपने जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा हो, जिन्होंने भी अभी अटेंड नहीं किया हो, आप जरूर अटेंड करिए, और पारस टीवी पर लाइव रहेगा, और आपको पाठशाला जो है परसों निश्चित रूपेण रहेगा, 4 से लेकर के 5 के बीच में पाठशाला रहेगी। आप सभी से विशेष निवेदन है कि पाठशाला का आप लाभ उठाएं और बच्चों को संस्कारित करें, जीवन को यशस्वी बनाएं, क्योंकि धार्मिक नॉलेज जीवन के पथ पर दुख संकट के घड़ियों पर वो रक्षण करेगा, मन को धैर्य और मन को अनेकों प्रकार के संकटों से बचेगा, और बच्चा जो है प्रबुद्ध रहेगा। पिछले दिनों में महामंत्र नमोकार के बारे में समझाया गया था, इस बार 70 दंडक 44 शरण और 70 लोगोत्तम के बारे में समझाया जाएगा। तो आप सभी लोगों से आत्मीय निवेदन है कि आप अपने बच्चों को संस्कार करने के लिए, संस्कारित करने के लिए ठीक जो है 4 बजे अपने को उपस्थित रहना। जिनके पास झूम है झूम से उपस्थित रहे, अगर झूम मोबाइल आदि बच्चों पर नहीं है तो आप ऑनलाइन जो टीवी है या यूट्यूब है, पारस टीवी है, यूट्यूब है, उस पर भी आप ज्वाइन होकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। तीसरी सूचना ये है, अभी आने वाला जनवरी को, जनवरी 1 से लेकर के और अगले आने वाला जनवरी 2025 तक 1 साल यहाँ नित्य प्रति आपके नाम पर विशेष जो है शांति धारा, जो बड़ी शांति धारा, जो चमत्कारिक शांति धारा है, ये शांति धारा ऐसी शांति धारा है जो अनेकों संकटों से बचाता है, अनेकों आपत्तियों से बचाता है, अनेकों समृद्धि को देता है। ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में यह शांति धारा चमत्कार कर चुका है कि केवल केवल जो है उनके नाम पर अगर शांति धारा बोला जाता है तो
उनकी वृद्धि जो है लाखों में तो करोड़ों में हो गई, और अनेकों जीवन में जो है संकट की घड़िया ध्वंस हो गई। ऐसी महाशांति धारा में मात्र 50 रुपए डेली से जो है कहे पूरी भारत भर में इतनी बड़े क्षेत्र के अंदर 50 रुपए में शांति धारा कहीं नहीं होता, वो नवग्रह तीर्थ पर होता है कि सभी समृद्धवान बने, इसलिए जो है यहाँ रह जाता है। तो आइए, अब किसी ने अपने नाम नहीं दिया हो तो पटापट अपना नाम दे, और कुछ नाम नहीं आए भरत कुमार, शांतिला डोंगरे, अनिल जी, देवी जैन, राहुल जी और प्रतीक, कल्पना वर्धमान, गंगवाल, ये कुछ नाम नया है, नीरा, अरविंद, किसी का नाम देना हो तो पटापट जो है अपने नाम दे सकते हैं। और टोटल जो है साल भर का 17,000 रुपए रखा है। नीरा, अरविंद, विशु, विभोर, राखी, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, शिवा, राजेश जैन, और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये नए जो दो नाम आए, जो आप सभी लोग जिनको भी नाम देना है अपने नाम दे सकते हैं, और अपने जीवन के अंदर शांति धारा कर करके अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकते हैं। और नाम और फोटो भेजिए, और फोटो जो है पारस चैनल पर नित्य प्रति जो है पुण्यार्जक के रूप में आपको दिखाया जाएगा। अब आइए, आपकी स्वास्थ्य स्वस्थ होने के लिए, आपको समृद्धशाली होने के लिए योग मुद्रा का, आज का योग मुद्रा के बारे में समझते हैं। आज का योग मुद्रा, अपन जो योग मुद्रा है, आज का अपन योग मुद्रा है, अपन योग मुद्रा के बारे में समझेंगे। अपन योग मुद्रा जो है क्या, कैसे करना चाहिए, आंखें बंद करके पूरा श्वासोश्वास जो है धीरे धीरे लेते हुए, कमर सीधा करते हुए आंखें बंद करके करना है। और अपन योग मुद्रा में ये जो बीच की उंगली और जो तर्जनी उंगली है, ये दोनों को ऐसे कर करके इसको ऐसे टच किया जाता है, इसको अपन योग मुद्रा करते हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। आप पहले योग मुद्रा देखिए, ये उंगलियां है और उंगली के बीच में ऐसे मोड़ना है, और ये इसको जाके टच करना है, सीधी सी, इतना सा, बहुत सरल तरीके से अपन योग मुद्रा कहते हैं इसको। इससे विशेषता, उसके लाभ और उसको विधि जो है बताऊंगा। आप इतना कर लिए, अपन योग मुद्रा देखिए, ये दोनों करना है, ये दोनों उंगली ऐसे रहना, और उसके बाद ये टच करना है, ये अपन योग मुद्रा हुआ। इस प्रकार जो है कमर की सीधी, कमर, आंखें बंद, और इस प्रकार के 5 या 15 मिनट जो है नित्य प्रति करें। इससे क्या क्या होगा, इससे लाभ क्या है, आप सुन लीजिए। इससे आपके लिए बहुत, अभी जो है जिनके हार्ट की समस्या है, जिनके फेफड़ों की समस्या है, और जो है इनको जो है ये हा करने से मनुष्य के जीवन के अंदर हार्ट की समस्या कंट्रोल में रहती है। हार्ट अटैक जो जिनको हो चुका है वो, और जिनको नहीं हुआ है और ब्लॉकेज है, वो उससे लाभदायक होगा, और इससे उसके जीवन में अनेकों प्रकार के हार्ट की नलियां और आपको हार्ट संबंधी जो दिक्कतें हैं और हार्ट से जीवन मरण का जो प्रश्न है वो समाप्त होगा। ये अपन मुद्रा है। इस मुद्रा से जो है डायरेक्ट जो है ये नशे यहाँ से दबते, और हार्ट की जितनी नशे से डायरेक्ट संबंध रखता है ये अपन मुद्रा। तो आप लोग जिनको भी हार्ट अटैक हो चुका हो, या हार्ट अटैक होने की संभावना हो, या नली ब्लॉक हो चुकी हो, नित्य प्रति इस प्रकार उंगलियां कर करके सीधी बैठ करके और श्वासोश्वास को करते हुए धीरे धीरे जो है जाप करिए। और मंत्र बोल रहा हूँ, वम वम वम, ओम वम नमः, ओम वम नमः, ओम वम नमः। वम ये वायु कारक बीजाक्षर है, ओम ये पल्लव है, नमः जो है प्रणव है। तो ये मंत्र से आप नित्य प्रति ये करिए। ये और एक मंत्र बताता हूँ, ओम रह, ओम रह नमो लोभे सव्व साहूनम, ओम रह नमो लोभे सव्व साहूनम। इस मंत्र का भी अगर ये अपन मुद्रा जापे करते हुए करेंगे तो पता, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी, हृदय संबंधी, फुफ्फुस संबंधी, आपको जो कोरोना होता है वो हार्ट अटैक से ही होता है। कोरोना से मरने वाले लोग कम है, पर हार्ट अटैक से मरने वाले ज्यादा होते हैं। कारण ये है, कोरोना में क्या है, सर्दियां बढ़ जाती है और नमोनिया हो जाता है फेफड़ों में, और फुफ्फुस के अंदर कफ जम जाता है,
और श्वासोश्वास के लेने की दिक्कतें शुरू हो जाती है और अपना जीवन की लीला खो जाता आदमी। तो इसलिए जो है ये मुद्रा अगर आप करते हो नित्य प्रति अच्छा रहेगा। और ये जरूर करिए हार्ट की संबंधी, और हार्ट जो आदमी की खान पान सब बिगड़ चुका है तो ये मुद्रा करने से आपको बहुत ही हार्ट संबंधी दोष दूर होता है। इसे करना है क्या, कुछ कुछ तो कोई रूल्स नहीं है। आप आराम से बैठना और 10 मिनट के सीधी सी ये देखो, सीधी सी उंगली जो है सीधी रखनी, ये उंगली सीधी रखनी है, दो उंगली टेढ़ी करनी है और इसको जाके चिपकाना है और दोनों करना एक साथ, ऐसे बैठ जाना। केवल 15 मिनट की बात है, मैं बातें करते करते आपके साथ 15 मिनट हो गया, इतने में आपका स्वास्थ्य का सुधर जाता है, तो क्यों ना करे। और रिजल्ट जो है ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आने लग जाएगा। आपकी हार्ट की जो धड़कने हैं या आपकी जो भी बीमारी, आप एक्सरा कर लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक्सरा कर लीजिए। और ये कर लीजिए 10-20 दिन कर लीजिए, उसके बाद एक्सरा कर लीजिए, तो कितना डिफरेंस बॉडी के अंदर कितना डिफरेंस आएगा, बहुत जो है चेंजेस आपको आएगा। और उसके साथ पुण्य भी लगेगा और नमोकार मंत्र का जो अंतिम पद है उसका भी लाभ होता है, क्योंकि वह उसका कारण ही है। उसके जो नमो लोए सवसावनम जो पद है वो अधिकतम पद जो है वायु कारक बीजाक्षर है, तो अधिकतम वायु कारक बीजा होने से वायु कारक मुद्रा, वायु कारक मंत्र और जो है आपका एकाग्र चित्त और प्राणायाम, आपके जो है दीर्घ प्राणायाम, ये एक साथ 4 पॉइंट एक साथ अगर करने लग जाते हो तो 100% आपके शरीर में स्वस्थ वृद्धि देगा। इसी प्रकार जिनको एसिडिटी हमेशा बनी रहती है और एसिडिटी से आपका जो है खाना खाने के बाद एसिडिटी होना, सिर यहाँ से सिर दर्द, यहाँ से जो पीछे से सिर दर्द होना और हृदय में जलन होना, और एसिडिटी से फोड़ा फुंसी चर्म रोग हो जाता है, इस प्रकार की जिनकी होती है वे अपन मुद्रा जो है करे निश्चित रूपे ना। आपका जो पित्त है, क्योंकि दीर्घ श्वासोश्वास और अपन मुद्रा करने से वहाँ पित्त का जो बढ़ना है, भड़कना है, उत्तेजित होना है, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। और हाई बीपी जिनको रहती है, वे लोग भी यह मुद्रा करने से बीपी कंट्रोल में आता है। यह जो है ये अपन मुद्रा तो मेन तो 3 महत्व के है, इसके लिए ये 3 लाभ है, एक हार्ट का लाभ, एक बीपी का कंट्रोल और जो है एक एसिडिटी। ये 3 जो है इस अपन मुद्रा से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके बॉडी के अंदर आता है। तो मैं चाहूंगा आप लोग जो है विशेष इसका प्रयोग करें। अपन मुद्रा से वात पित्त कफ जो तीनों प्रकार के ये हैं, क्या बोलते हैं, रोग है, इसको बढ़ने नहीं देता है और इसको जो है आपको उस कंट्रोल में रखता है। तो इस सभी से आत्मीय निवेदन है, ये इनके जो रोग है, जिनके पास भी रोग है, वे जो है जरूर इसको करें। और करना कितना है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट के ऊपर नहीं करना, 10-11 मिनट काफी है। ज्यादा करोगे तो वात रोग ज्यादा हो जाएगा और अर्थ से ज्यादा हो अनर्थ होगा, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा घड़ी लगा करके 10 मिनट करिए। 5 मिनट कम से कम 5 मिनट करे और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट करे, और सुबह और शाम 2 टाइम करें, इससे ज्यादा नहीं करना इस अपन मुद्रा को, क्योंकि अत्यधिक वात वात अगर पैदा हो जाएगा तो अत्यधिक अगर वात अपने देह के अंदर स्टॉक होने लग जाएगा तो संधिवात होने लग जाएगा, और उससे जो है जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा और सिर भारी होने लग जाएगा और पेट जो है टाइट हो जाएगा, पाचन क्रिया और मंद हो जाएगी, क्योंकि अग्नि अधिक मंद होने से पाचन क्रिया खराब हो जाता है। तो इसलिए जो है इस मुद्रा को केवल केवल 5 मिनट से 5 मिनट करें, 5 मिनट ये देखो सीधी से 5 मिनट तक यूं उंगलियां रखे, और उंगली रखने बाद आंखें बंद करना है, और आंखें बंद अगर करोगे तो कहीं ना कहीं मन भटकेगा, मन ना भटके इसलिए मैंने आपको एक मंत्र बता दिया, ओम वम नमः, ओम वम नमः, ओम रह नमो लोवे सव सावनम, तो मंत्र का भी जाप होगा, तो मंत्र से ही जो है ओम रह ये जितने सर नमो लोवे सव सावनम है, ये वात कारक संबंधी रोग को भी नाश करता है, शनि दोष को भी नाश करता है, और इसके अलावा जो है यह मंत्र आपके एसो पंच नमोकारो सव पाव पनाशनम, सभी पापों का भी नाश करता है, एक पंत अनेक काज हो जाता है,
और इसके अलावा मैंने दीर्घ श्वासोश्वास बता दिया, तो दीर्घ श्वासोश्वास से जो आपकी ब्लैकेज है, हार्ट की नलियां जो किसी के 50%, किसी के 60%, किसी के 80% जो ब्लॉकेज है, वो दीर्घ श्वासोश्वास के माध्यम से जो है धीरे धीरे उसको खुलने लग जाएंगे। तो इस प्रकार की आपकी देह सुदृढ़ होगा, व्यवस्थित होगा। करना क्या है, केवल उंगली को दबाना है और तीन चीजें करना है, दीर्घ श्वासोश्वास और नमो लोभे सव सवनम। इस प्रकार के जाप करोगे आप सभी स्वस्थ और समृद्धशाली होंगे। ऐसे बोलते हुए आइए आप सभी जितने भी नवग्रह क्षेत्र के झूम पर विराजमान हैं उनके नाम पर शांति धारा शुरू करते हैं। और आप सभी से विशेष निवेदन है, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ये मुद्राएं जरूर प्रयोग करें। क्योंकि हर आदमी को, मेरे पहले जमाने में किसी न किसी को हार्ट अटैक होता था, आज हर घर में हार्ट अटैक की समस्या है। कारण क्या है, जो तेल यूज कर रहे हैं और जो अधिकतम सब्जी के अंदर जो छोक लगाते हो तेल के, घी के, वो अत्यधिक हो रहा है। और वास्तविक देखा जाए प्राकृतिक संपदा में तेल की अधिक मात्रा, घी की अधिक मात्रा जो है हार्ट के कारक बनता है। और अब आदत पड़ चुकी है, छोड़ना तो कठिन है, परंतु उससे अच्छा अब घर गंदा हो जाता है, झाड़ू से स्वच्छ करते हो, वैसे जो है ये देह जो है अस्वस्थ हो चुका है। तो योग मुद्रा से, मंत्र जाप से और जो है प्राणायाम योगासन के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करे, यही आप सबसे अपेक्षा है। क्योंकि बीमारियां नित्य प्रति बढ़ती जा रही है और जिम्मेदारी भी आपका जीवन पर बड़ा रहता है। और हम सब चाहेंगे कि आप सभी जो है दीर्घकालीन आयुष्य को प्राप्त हो, आपके जीवन के अंदर दीर्घ आयुष्य ही परिवार का और पालन पोषण, धर्म की साधना, ये सभी जो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ये आपका धर्म की साधना होती है, परिवार का पोषण होता है और जीवन के अंदर